गुड मॉर्निंग। देन वी स्टार्ट सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 अर्जुन सी। अर्जुन सी हम लेसन पढ़े, उसके पहले हम कुछ नेताओं जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर जो है वह है सुभाष चंद्र बोस। किसका है? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भी हमें आज़ादी देने में बहुत लड़त लड़ी थी। उन्होंने एक नारा भी दिया था, चलो दिल्ली आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। ओके, फिर दूसरा पिक्चर है वीर भगत सिंह। इन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी थी आज़ादी देने में। ओके, वीर भगत सिंह के बारे में भी आपको बहुत सारा लिखना है। तीसरा पिक्चर है चंद्रशेखर आज़ाद, जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे। उन्होंने काकोरी ट्रेन भी लूटी थी, वो आपको एसएस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और चौथा पिक्चर है वह है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आप उनके बारे में भी बहुत पढ़ा होगा। ओके, तो वही जो लड़वैया है 1 2 3 4, पहला कौन? सुभाष चंद्र बोस। दूसरा वीर भगत सिंह। तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद। और चौथा रानी लक्ष्मीबाई। इन लोगों ने हमें देश की आज़ादी दिलाने में कड़ी मेहनत की थी, बहुत लड़ाई लड़ी थी इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो वैसा ही एक पिक्चर है वह है अर्जुन सिंह का, वो लेसन हम आज पढ़ेंगे। ये भी एक बहादुर बच्चा है। तो अर्जुन सिंह लेसन में देशभक्ति की भावना हमारे देश के बच्चे बच्चे के मन में समाई हुई है। और ये जो आज़ादी है वह हम एसएस में उसको एकदम विस्तृत से दिया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वीर भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ऐसे इसमें बहुत विस्तृत में उसके बारे में दिया है। तो एक था बालक अर्जुन सिंह, एक बच्चा था उसका नाम था अर्जुन सिंह। वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था। दुलारा यानी प्यारा था। वो अपने मम्मी पापा और उसकी जो छोटी बहन थी उसका वो बहुत प्यारा था। उसके माता पिता उससे बेहद प्रेम करते थे, यानी कि ज़्यादा प्यार करते थे। छोटी बहन भैया भैया पुकारते नहीं अधाती थी, यानी कि उसकी जो छोटी सिस्टर है वो भैया भैया पुकारते पुकारते थकती नहीं थी, अधाती यानी थकती नहीं थी। उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। उन लोग का एक छोटा सा परिवार है जिसमें उनके मम्मी पापा और भैया और दीदी दो चार जन रहते थे। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। क्या हुआ? अर्जुन बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए, परेशान यानी टेंशन में आ गए। माँ ने उसको इधर उधर की चीज़ें खाने पर रोक लगा दी, यानी कि चॉकलेट वेफर आप लोग भी खाते होंगे, ये सब खाने के लिए मना कर दिया कि बाहर की चीज़ कोई खानी नहीं है। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। किसका? अर्जुन का मन क्या हुआ? गुड़ यानी जैकरी और चना खाने का बहुत मन हो रहा था। उसकी बहन से भाई का दुख न सहा गया, उसके भाई को गुड़ और चना खाना है और मम्मी ने ना बोला है कि बाहर की चीज़ नहीं खानी है, तो बहन को बहुत बुरा लग रहा था। वो चुपके से क्या किया? चुपके से भाई के लिए गुड़ और चना ले आई और उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों के बाद अर्जुन का बुखार उतर गया। जो बुखार था अर्जुन को, तो उसको गुड़ और चना खाने का मन हुआ, तो उसकी दीदी को ये देखा नहीं सका कि मेरा भाई को ये खाना हुआ, इसके पास नहीं है,
उसने चुपके से लाकर दे दिया, भाई ने वो खा लिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार भी उतर गया। भाई के मन में बहन के प्रेम को भावना और गहरी हो गई। भाई जो सोच रहा था मेरी बहन मेरा कितना सोच रही है, मम्मी ने मना किया फिर भी वो चुपके से लाई मेरे लिए, वो मुझे कितना प्यार करती होगी, ऐसा सब सच और उसके मन में और ज़्यादा भाव बढ़ गया बहन के लिए। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकालने वाले है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गए। क्या सुना हम लोग ने कि कौमी झंडे का जुलूस यानी कि बहुत सारे लोग ग्रुप में निकलते हैं समूह में, उसे जुलूस कहते हैं। तो सभी देशभक्तों के दिलों में एक आनंद आ गया, एक उत्साह आ गया। देश का वाइसरॉय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। वाइसरॉय यानी अंग्रेज लोग, वो नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जो झंडे लेकर निकलने वाले थे सब समूह में, उसके लिए मना कर दिया वाइसरॉय जो अंग्रेज थे। वाइसरॉय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए, यानी कि जो उन लोग के मन में जो उत्सुकता थी वो मुरझा गई। बड़ा आया वाइसरॉय, क्यों ना निकले झंडे का जुलूस, क्या कहा कि एक किसी ने कि बड़ा आया वाइसरॉय कौन होता है, क्यों ना निकलेगा झंडे का जुलूस। भाई ने बहन से कहा, कौन बोलता है, भाई अपनी छोटी बहन से कि बड़ा आया वाइसरॉय क्यों ना निकले झंडे का जुलूस। बहन ने पूछा कौन है वाइसरॉय, बहन ने भाई से क्या पूछा कौन है यह वाइसरॉय। भाई ने कहा होगा कोई, क्या कहा भाई ने गुस्से में, होगा कोई। बहन ने कहा वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता है। छोटी बहन ने अपने भाई से क्वेश्चन किया कि वाइसरॉय क्यों हमें जुलूस निकालने को मना कर रहे हैं। तो भाई ने बहन से कहा हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है, हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेज का गुलाम है। बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा तब तो हम ज़रूर जुलूस निकालेंगे। क्या कहा बहन ने भाई से, बहुत हिम्मत से कहा तो हमें ये जुलूस निकालना ही पड़ेगा, अपना झंडा फहराएंगे, जो हमारा इंडिया का फ्लैग है वह हम फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। छोटी है लेकिन हिम्मत ज़्यादा है उसमें, उसने अपने भाई को कहा हम हमारे देश का झंडा फहराएंगे, झंडा यानि फ्लैग फहराएंगे, कौन रोकता है हम देखेंगे। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए यानि लग गए झंडा बनाने में। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया, केसरिया यानि ऑरेंज और हरा यानि ग्रीन। तो भाई कौन कौन से कलर लेके आए के ऑरेंज और ग्रीन। बहन ने अपनी चुन्नी यानी कि दुपट्टा चुनरी उसे झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टी बना दी। दोनों ने क्या किया चुनरी पे, भाई बहन ने मिलकर उस झंडे पर ऑरेंज कलर और हरी पट्टी बना दी। आप पिक्चर में देख रहे हो, देखो बहन उसकी क्या कर रही है, ग्रीन कलर से चुनरी पे लगा रही है। ओके, तो आपको भी एक फ्लैग बनाना है, ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, थैंक यू।